अपने मन को वश में करने के तरीके। और आगे में मान लीजिए कि सब जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। कण कण में भगवान है। आजकल होता क्या, लोग कैमरे को सीसीटीवी लगा है, कैमरा हर दुकानों में, यहाँ भी लगा। तो चोर जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, कैमरे को डरते हैं, कैमरा लगा हुआ है, पर भगवान को नहीं डरते। अरे भगवान तो ऐसा कैमरा लगा चुके हैं हमारे हृदय के भीतर, जो भी हम करते हैं, जैसा भी हम करते हैं, अच्छा बुरा, वो सब रिकॉर्डिंग होती है। तो भगवान को डरिए, परमात्मा को डरिए, परमात्मा से डरिए, वैसे भगवान से ये डरिए कि भगवान देख रहे हैं हम कोई गलत काम मत करिए, अपने पापों से डरिए, अपने कर्मों से डरिए, तो प्रभु कल्याण कर देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आखिरी में सी राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, वो समझ गए थे ना। तो आइए इस चौपाई को लगा लें, सी राम में सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम कलयुग में, विशेष कर
श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कर्म कीरेण भाषितम। सुखदेव जी कहते हैं राजा सब में ईश्वर को देखो और सृष्टि का वर्णन करते हैं। इस स्कंद में एक बार की बात है, परब्रह्म परमात्मा नारायण के मन में ऐसा भाव आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो एको हम बहुस्याम। भगवान ने कहा मैं अकेला क्यों पड़ा हूं, तो भगवान क्या किए, भगवान एक से अनेक होने का संकल्प कर लिए। और प्रभु बैठे हुए थे, लेटे हुए थे प्रभु, उसी समय ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट कर दिया अपने नाभि से, केवल वैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रकट तो हो गए पर उन्हें पता नहीं चला कि मेरा जन्म कहां से हुआ। तो ब्रह्मा जी बहुत हजारों लाखों वर्षों तक घूमते रहे यहाँ वहां कमल के पुष्पों में, कमल के डंडी में, कमल के तंतु में घूमते रहे, कुछ भी पता नहीं चला मैं कौन हूं। अहम को सुनी अहम को हूं, मैं कौन हूं, दो शब्द सुनाई दिए। स्पर्श से सोरस में कवि दो शब्द आ गए, कौन कौन से, स्पर्श से सुयत सोरस में कवि सोरस में सोलवा एक विंशति बने इक्कीसवा, तो कैसे गिनी है आप का खा गा घा, तो जो सोलवा नंबर है तो वो क्या है ता है, और जो इक्कीसवा नंबर शब्द है वो क्या है पा है। सुनाई दिया कि तप कार्यो मानसाना स्पर्शा है, यानी दो शब्द सुनाई दिए सोलवा और इक्कीसवा कि तप करो तपस्या करो तब पता चलेगा आप कौन हो। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, हजारों वर्षों तक तपस्या की, तो एक दिन नारायण भगवान प्रकट हो गए, मुस्कुरा गए, ब्रह्मा जी मैं प्रसन्न हूं वरदान मांगना। बोले भगवान आप प्रसन्न है पर मैं कौन हूं, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं, तपस्या तो कर लिया पर मैं कौन हूं मैं क्या करूं। तो भगवान बोले आप विधाता हैं, आप ब्रह्मा हैं, जाइए सृष्टि की रचना कीजिए। और क्या किए, भागवत के चार मंत्र दे दिए, चतुश्लोकी भागवत कहते हैं इसको, अहमेव समेव अग्रे नान्यं यद सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहं वितेतं यत् प्रतीयेन न प्रतीयेत चात्मनि सृष्टि की रचना करो सबको बना दो पर अहंकार कभी मत करना, बिना तपस्या के उनको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की तब क्या बने विधाता बने ब्रह्मा बने, बिना तपस्या के बिना कर्म के बिना मेहनत के कोई कुछ भी नहीं बन सकता। और ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, कैसे की, यथा महांत भूतानि भूतेषु च मनीषु च प्रविष्टान्यं प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्व। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई ना, संपूर्ण सृष्टि बनाई, पूरी सृष्टि बनाई, कैसे बनाई, यथा महांत भूतानि भूतेषु च मनीषु च, कैसे बना दी, पंच तत्वों से पांच तत्वों को मिला करके सबको बनाई ब्रह्मा जी, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सब इससे बने हैं। ये जो पंच तत्व है बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। चींटी जल पावक गगन समीरा पंच रजत अति अधम शरीरा, ये जो श्लोक है ना यथा महान भूतानि श्रीमद् भागवत में, इसी का गोस्वामी जी ने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया,
भागवत के लगभग 75% श्लोक क्या है, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में चौपाई के रूप में लिख दी है। सृष्टि की रचना हो गई, सृष्टि बनी, सब की रचना की है ब्रह्मा जी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान ने सबको बना दिया, परमात्मा ने सबको बना, सारी सृष्टि की रचना कर दी और सबको अपने अपने कार्यों में नियुक्त कर दिया। और ब्रह्मा जी क्या करने लगे, भगवान का भजन, कन्हैया का भजन, कृष्ण का भजन, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हम तर जाएंगे। हमें तारने की क्षमता किसी में है तो भगवान में। दुनिया वाले हमें मार सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, पर भगवान कैसे है, हमें तार लेते हैं, हमें संभाल लेते हैं। आइए एक लाइन भगवान का नाम ले लें, एक लाइन दो लाइन भजन एक छोटा सा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पर उतर जाएगा, पर उतर जाएगा, जाएगा।
कृष्ण कहने से तर जाएगा पार घर से उतर जाएगा। और क्या होगा जाने के बाद सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, मंदिर तो बनवा जाएगा। देखो शॉपिंग का औकात साफ करना भी महंगा बनवा दो, आप 5,000 एकड़ जमीन भी ले लोगे अपने लिए कोई नहीं पूछने वाला, आप 50 लाख की कार ले आएंगे पड़ोसी 60 लाख वाली ले आएंगे, इतना कंपटीशन है समाज है। पर आप सच मानिए यदि 50 लाख का कोई मंदिर बनवा देंगे भैया में, हजारों जन्मों तक सैकड़ों सालों तक उसके बारे में लोग बात करेंगे, जो मंदिर बनवा दिए उसने बड़ा अच्छा काम कर दिया। कहाँ बनवाए मंदिर? सबके लिए सार्वजनिक जगह बनवाए जहाँ सब कोई जा सके। तो भौतिक चीजों से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। एक ही काम अच्छा है, धार्मिक काम, स्कूल बनवा दो, अस्पताल बनवा दो गरीबों के लिए, मंदिर बनवा दो, तालाब में लोग बंद हो गए कहेंगे भी तो भी नहीं बन पाएंगे, गौशाला बनवा दो नहीं बनवा सकते तो कहीं वो बन रहा है वहां सहयोग कर दो, तो क्या होगा? हमारा नाम चल जाएगा। जिसने धर्म कर लिया, जिसने प्रभु का नाम ले लिया, जिसने अपने धन को भगवान के चरणों में लगा दिया, सच मानिए उसका नाम अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। उसके जाने के बाद भी लोग चर्चा करते हैं हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे नगर में, कोई वो श्रेष्ठ जी थे, कोई वो थे जिन्होंने बढ़िया बढ़िया काम करवाए। अपने लिए जीना बड़ी बात नहीं है, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए सब कोई करते हैं, जैसे हम अपने परिवार के लिए करते हैं ऐसे पशु पक्षी लिखा है चिड़िया भी चाहती मेरा बेटा अच्छा भोजन करे, सब कोई करते हैं। अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जिसने कर दिया समाज के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इसने कर दिया, उसका कल्याण होगा, उसका नाम चलेगा। और नाम के लिए नहीं, कोई भी काम करिए नाम के लिए नहीं, नाम तो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा? सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार घर से उतर जाएगा। ना तो प्रभु छोटा देखते, ना बड़ा देखते, ना गरीब देखते, ना अमीर देखते, ना जाति देखते, ना धर्म देखते, भगवान तो केवल ये देखते मेरा भक्त मुझको प्रेम से कितना चाहता है। परीक्षित बोले कैसे गुरुवर? तो सुखदेव स्वामी ने एक कथा सुना दी। कौन सी कथा? विदुर जी महाराज की कथा। यदा तो राजा सुल्तान अधिष्ठिता, अरे राजा, अरे परीक्षित, बात उस समय की है जिस समय दुष्ट कौरव, कौन दुष्ट कौरव अपने सगे चाचा के बेटों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे, पांचों भाई को मार दो और आराम से पूरी प्रॉपर्टी ले लो, झगड़ा वही होगा जहां हम अपना हिस्सा तो ले, पर चाहते मेरे भाई का भी मुझे मिल जाए, मेरी बहन का भी मुझे मिल जाए, वहीं पर लड़ाई होती है, महाभारत इसका प्रमाण है। धृतराष्ट्र जो है ना अंधे हैं, धृतराष्ट्र अंधे हैं फिर भी पुत्र मोह में पहुंचे, जिसने पुत्रों का मोह कर लिया, ज्यादा पुत्र मोह होना भी क्या होता है नुकसानदायक होता है। धृतराष्ट्र को बहुत समझाया गया महाराज। विदुर जी आगे बोले महाराज इतना मत करिए, अन्याय ना करिए, आपके छोटे भाई के बेटे हैं, आप उनकी गद्दी में बैठे हो, उनका हिस्सा दे दो, पर आपका बेटा जो दुर्योधन है ना आपका सर्वनाश कर देगा, 5 पांडवों को मारने का षड्यंत्र करवा रहे हैं महाराज, कैसी बातें करते हैं आप, अंधे तो जन्म से हैं ही, क्या आपका मन भी अंधा हो गया, क्या आपका हृदय भी अंधा हो गया?
उसी समय कहते हैं दुर्योधन आ गया और सुन लिया और बोला दासी के बेटे मेरे खिलाफ मेरे पूज्य पिताजी को भड़काते हो, जाओ निकल जाओ हमारे घर से। तो कहते हैं विदुर जी महाराज उसी समय महामंत्री के पद को त्याग दिए और क्या हुए वहां से चले गए और जाकर के कदली वन में केले के वन में भगवान श्री हरि का भजन किया। और आपको कथा पूरी पता है, लाक्षा के घर में जलाने का प्रयास किया गया, पांडव बच गए। क्यों? जिनके साथ भगवान होते हैं, जो सत्य में होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जो संतोषी होते हैं, उनके साथ में परमात्मा अपने आप आ जाते हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पहले ना अब। सारे षड्यंत्र किए गए, आखिरी में पांडवों को जीव जीव पीड़ा में फंसा दिया गया, सब कुछ पांडव हार गए। अंततः ये बात हुई, प्रवास हुआ, अज्ञातवास हुआ। भगवान ने कहा मैं जाकर बात करके आता हूँ, तुम लोगों को राज्य दिलवाता हूँ। तो भगवान बोले युद्ध तो होने वाला है, युद्ध तो होगा। ऐसी स्थिति बन गई कि युद्ध होगा, फिर भी भगवान बोले एक बार मैं शांति दूत पर कर जाता हूँ और जाकर के समझाता हूँ दुर्योधन, शायद युद्ध टल जाएगा। लेकिन लड़ाई जहां भी होगी, जहां भी, जिस परिवार में भी, जिस घर में, जिस नगर में, जिस गाँव में झगड़ा होगा, नुकसान दोनों का होगा, नुकसान दोनों का होगा। कोई गरीब है तो उसका भी नुकसान होगा, कोई अमीर है तो उसका भी नुकसान होगा। लड़ाई झगड़े से कभी कोई फायदा हुआ नहीं। झगड़े होंगे तो कोई बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, वो भी अदालत में जाएगा और गरीब भी जाएगा। समय तो दोनों का खराब होगा ना, संपत्ति भी दोनों की ही खराब होगी। भगवान श्री कृष्ण गए और जाकर के भगवान ने समझाया, अरे भैया दुर्योधन ऐसा क्यों करते हैं, तुम्हारे चाचा के बेटे हैं, तुम्हारे काका के बेटे हैं, उनको दे दो, उनका राज्य उनको दे दो। दुर्योधन बोला ना 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 महाराज, मैंने जुआ में सब कुछ जीत लिया है, अब जो भी युद्ध कर ले, युद्ध करने के बाद जो भी जीत जाए युद्ध में, उसी का राज्य होगा, उसी की संपत्ति होगी, मैं क्यों हूं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, पांडव बहुत अच्छे, मेरी बात कभी काटते नहीं, केवल 5 गांव दे दो, मैं उनको मना लूंगा, मेरी बात मान लेंगे। तो अहंकारी दुर्योधन क्या कहता है, सोच करे नहीं स्वामी, बिना पांच गांव की बात करते हैं, मैं सुई भी नोक के बरोबर भूमि भी देने वाला नहीं हूं बिना युद्ध के। भगवान ने बहुत समझाया पर समझा नहीं, भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो भगवान ने क्या किया, विराट रूपम यस्यस्य, भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया और बोले भैया हम पांडव नहीं है, यदि हमारे सामने मूर्खता करोगे, हमको डराओगे तो अभी मारे जाओगे, युद्ध तो बाद में होगा, अभी तुम्हारा कल्याण कर देंगे। दुर्योधन नहीं माना, भगवान वाले कोई बात नहीं, जब नहीं माना तो भगवान बोले चले फिर यहाँ से। तो बोलता महाराज अरे कन्हैया मेरे यहाँ भोजन तो कर लीजिए, अब आप आए हैं, राजपाट की बातें बाद में होगी, आप तो मेरे रिश्तेदार हैं महाराज, चलिए भोजन कर लीजिए, मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए। तो भगवान बोल गए कि हम तो भोजन करेंगे विदुर काका के यहाँ, और विदुर जी नीचे बैठे हैं क्योंकि सारी जनता आई है ना, सब लोग आए हैं। तो विदुर जी ने सोचा हे भगवान कन्हैया मेरे यहाँ आएंगे, और विदुर तुरंत उठ करके अपने घर चले गए। कन्हैया बोले मैं आज विदुर काका के यहाँ भोजन पाऊंगा, क्योंकि काका जी ने कहा था जब भी कन्हैया आओ हस्तिनापुर पहला भोजन मेरे यहाँ पाना। दुर्योधन को भगवान ने साफ इनकार कर दिया। दुर्योधन बोला चलिए कन्हैया एक तो कुछ खा लीजिए, एक रोटी खा लीजिए, एक मिठाई खा लीजिए। भगवान बोलते ना ना ना, भोजन तो स्थितियों में करना चाहिए, या तो कोई भूखा व्यक्ति है बेचारा, लाचार व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो अपमान पूर्वक भी आप कुछ दे दोगे तो खा लेगा। भूखा व्यक्ति कुछ देखता नहीं खा लेता है, 3 दिन से कोई भूखा हो तो कुछ देखेगा नहीं तुरंत खा लेगा। या तो बहुत भूखा व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति होगा तो अपमान पूर्वक दी गई रोटी को खा लेगा, और या तो किसी के हृदय में बहुत प्रेम
अब किसी का मन नहीं है भोजन करने का, आपके अच्छे मित्र हैं, दो चार पांच बार बोलोगे एक ही रोटी खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो प्रेम की भी लिपि एक रोटी खा लेता है। भगवान बोले भैया ना तो मैं लाचार हूँ, ना तो मेरी कोई मजबूरी है, ना तो मैं गरीब हूँ, ना तो मैं भूखा हूँ, और ना तुम्हारे हृदय में प्रेम है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है और तुम्हारे पास जरा भी प्रेम नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ तो भोजन हम करेंगे नहीं, हम तो काका जी के यहाँ जाएंगे। और भगवान सीधे पहुंच गए विदुर जी के घर। अब विदुर जी चले गए बाजार, कन्हैया ने सबके सामने बोल दिया, तो विदुर जी चले गए बाजार दूध दही मक्खन लेने, फल लेने, मिठाई लेने। और यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु कन्हैया पहुंच गए विदुरानी के घर और जाकर फिर आवाज लगाई, काकी जी खोलो खोलो। और विदुरानी क्या करती है, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। भगवान ने आवाज लगाया, आवाज नहीं आई, जवाब नहीं आया, दरवाजा नहीं खुला। भगवान ने थोड़ा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। क्या हुआ, विदुरानी स्नान कर रही थी, जैसे ही परमात्मा को देखी, भगवान को देखी, तो एकदम भाव विभोर हो गई, ध्यान में चली गई, भाव में चली गई, सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई, प्रसन्न हो गई, मेरे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ईश्वर भगवान आए हैं, कन्हैया आए हैं। तो भगवान को पूरे आंगन में पहले न चाहिए। इसके बाद क्या की, भगवान को बैठने के लिए पटा दी, चौकी होती पटा, उल्टा पाटा रख दी, भगवान ने कुछ देखा नहीं, भगवान बैठ गए। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझको जो भी प्रेम से देता है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। प्रेम का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही के सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से वीणा मार है, अन्य धरे एक फूल भी दे दे तो बेड़ा पार है। भगवान बैठ गए, विदुरानी क्या लेकर आ गई, केला लेकर आ गई, क्या कुछ है ही नहीं, केले को निकाल निकाल करके फेंकती जा रही है, छिलके को भगवान को देती जा रही है, भगवान छिलके को पा रहे हैं। क्यों, भगवान प्रेम दे भूखे हैं, न जाने कौन से गुण पर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे Yeah.
जोर से बोलिए सभी लोग जय जय श्री राम। इतनी जोर से बोलिए आवाज कम से कम गांधी चौक से जाए। भगवान का नाम जोर से लीजिए और दुनिया भर का नाम धीरे से। पर हम लोग क्या करते हैं, निपटा करते हैं। किसी को बुलाना हो बाजार में तो जोर से बुलाएंगे तो सुन जाएगा बेचारा, डर जाएगा। भगवान कहते हैं जोर से बोलना है तो मेरा नाम बोलो। दुनिया वालों का काम तो आप नाम तो आप धीरे से बोल सकते, धीरे से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय भगवान। ये देखते नहीं मेरा भक्त गरीब है या अमीर है। भक्ति के लिए केवल मनुष्य बनना ही पर्याप्त है। मानव बन गए तो भगवान की भक्ति कीजिए। या तो भगवान की भक्ति करने का एक और तरीका है कि भगवान को हर क्षण याद करिए। या तो फिर क्या करें, भगवान की भक्ति के लिए हर क्षण याद करें, या तो भगवान के धाम में जाके पास करें। ना गरीब होने की आवश्यकता है ना अमीर, भगवान को सब प्रिय है। भगवान को सब कोई प्रिय है। भगवान ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना रूप देखते, ना रंग देखते, ना कुल देखते। प्रभु तो केवल भाव देखते हैं। पहुंच गए प्रेम जी के यहाँ, एक एक करके भगवान छिड़के खा गए, बहुत से छिड़के खा गए। केला बिदरानी फेंकती जा रही है, केला फेंकती जा रही है, छिलका देती जा रही। भगवान खाते गए खाते गए, बिंदु जी अगर देवी क्या करती हो, भगवान को हमारे कन्हैया को छिलके खिलाती हो। तब जाकर होश आया, तो जैसे ही होश में आया तो चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपने क्यों नहीं बताया। भगवान बोले ताकि जी सच बोलूं, मुझे लग रहा था मैं केला ही खा रहा, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तो वयम। भगवान ने कहा मुझे तो वही केला वाला स्वाद आ रहा, मेरा भक्त मुझको प्रेम से जो भी खिलाता है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इसके बाद भगवान को मक्खन मिश्री मिठाई खिलाई गई। भगवान ने कहा वो आनंद नहीं आया, जो आनंद केले के छिलके में आया वो आनंद इस मक्खन में मिश्री में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वस्तु जो सामग्री प्रेम से दी जाए उसका महत्व अलग है, जो सामग्री पैसे से लाकर दी जाए उसका महत्व अलग है। हम ऐसा मानते हैं कि हम खूब पैसा चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। पैसे दान तो करना चाहिए, वैसे दान करना दान लेकर करो ही, दान करना बहुत जरूरी है कलयुग में, क्योंकि जो दान हम देते हैं वो हमको ही मिलता है बाद में। हमने पूर्व जन्म में आपने दान किया, सबने दान किया, तो आज इस जन्म में कम मेहनत से भी बहुत पैसे आ गए। ये तो बहुत बहुत कमाने वाले, बहुत बहुत मेहनत करने वाले ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। और कोई कोई भी ना तो पढ़ा है ना लिखा है ना बहुत बड़े परिवार का है, इसके बाद भी करोड़पति बन गया। क्यों बना, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में दिया है। जिसका बैलेंस होगा पहले है, जिसके खाते में पैसा होगा वही तो निकाल पाएगा। तो पूर्व जन्म में जो आपने रख दिया वही तो आप खा रहे हैं। दान नहीं तो कलो ही, किंतु दान से भी ज्यादा जरूरी है भाव अच्छा हो, प्रेम से दें। जो भी दें वो प्रेम पूर्वक देंगे तो हमारा कल्याण होगा। भगवान विद्रानी को और विदुर जी को बहुत सा आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राजा ना तो भगवान जाति देख के कुल देख के, श्री विदुर जी के यहाँ जाके भगवान ने केले का छिलका खाए था। और क्या हुआ, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के एक पुत्र की कथा सुनाऊंगा। कौन से, भगवान ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए, नाम है कटवर ऋषि। स्वयंभू मनु की तीन बेटियां हैं, आकृति देवहूति प्रसूति। तो कर्दम जी का जो विवाह हुआ ना वो किससे हुआ, देवाहूति से हुआ। कर्दम के कर्दम जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी बोले जाओ बेटा विवाह कर लो और मेरी सृष्टि के विस्तार में मेरा साथ दो। कर्दम बोले पिताजी मैं भगवान का नारायण का हरि का जाप करूंगा और अपना अपना धार करूंगा।
कहते हैं कर्दम जी महाराज बहुत बढ़िया तपस्या की, इतनी तपस्या की भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, फिर भगवान चले गए। पर एक दिन क्या हुआ, कर्दम जी ने एक पति पत्नी के जोड़े को जंगल में घूमते हुए विहार करते हुए देख लिया। तो कर्दम जी के मन में विचार आया, बताओ हमारी भी पत्नी होती, हमारे भी बच्चे होते, हमारा भी परिवार होता तो हम भी यहाँ बढ़िया घूमते। मन में संकल्प आ गया, मन में विचार आ गया, संकल्प लिए और बोले उस बार भगवान प्रकट करके भगवान से विवाह का वरदान मांगेंगे। तो इस बार कर्दम मुनि ने तपस्या की, जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान बोले, बोलो क्या चाहते हो कर्दम जी? बोले महाराज बस आपकी छवि देखने के बाद, आपकी सुंदरता देखने के बाद मन में कुछ इच्छा शेष नहीं है। देखिए भगवान के सामने जाने के बाद भी, भगवान को निहारने के बाद भी, वृंदावन जाने के बाद भी यदि भोग की इच्छाएं हो जाए, मन में लालसाएं आ जाए, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास और ये हो जाए, समझिए अभी भक्ति में बहुत पीछे। तो कर्दम जी ने संकल्प करके तपस्या किया, प्रकट हो गए, बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले भैया आप मन में आपके कुछ और है, पर वाणी से आप यह कहना चाहते हैं कुछ नहीं चाहिए, आपने तपस्या किया था कि विवाह हो जाए। बोले हाँ ठाकुर जी। तो बोले जाओ आप विवाह कर लो। बोले विवाह अभी करूंगा जब आपको मेरे घर में बेटा बनकर रहना हो, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और देवावती से स्वयंभू मनु की बेटी से विवाह हो गया। कैसा विवाह हुआ, जो वर है ना जिससे विवाह हुआ उसके यहाँ रहने के लिए मकान भी नहीं, भोजन के लिए बर्तन भी नहीं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उम्र भी बहुत लंबी है। और जो कन्या है ना देवाहुति जी, वो कैसी है, राज कन्या चयस्यस्य, वो राज कन्या है, धनवानों के बीच में रही, उनके यहाँ नौकर चाकर दास दासियां खूब पैसे संपत्ति देखी है, फिर भी उनका विवाह किससे हो गया, एक तपस्वी पुरुष से जिसके यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। विवाह हो गया, विवाह करने के बाद कर्दम जी ले आए और कर्दम जी ने दहेज में एक रुपए भी नहीं लिया, ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू मनु की बेटी है, राजा की बेटी है और जिससे विवाह हुआ एकदम गरीब है, तपस्वी है, गरीब तो है पर तपस्या बहुत बड़ी है, जिसके पास तपस्या है ना वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दहेज में एक रुपए भी नहीं दिए। विवाह हो गया, पत्नी को लेकर आए, खटिया में बैठे, बोले देवी थोड़ा सफाई कर दो, यहाँ पर सब भोग चढ़ा है। देवाहुति ने सफाई किया और कर्दम जी बोले मैं भगवान का जरा भजन कर लूं, और जैसे ही परमात्मा के भजन में बैठे सोई, क्या हुआ, समाधि लग गई। और कितना वर्ष हो गया, एक साल हो गए, दो साल हो गए, पांच साल हो गए, दस साल हो गए, पंद्रह बीस साल हो गए, पच्चीस साल हो गए, तीस साल, पैंतीस साल, चालीस पचास साल तक क्या किए, भगवान की समाधि में लीन हो गए। पत्नी हो गई बूढ़ी, पत्नी बूढ़ी हो गई, एक दिन जब समाधि खुली, आंखें खुली तो पत्नी को देखकर पहचान चल पाए, बोले देवी आप कौन है? देवाहुति कहती आप मुझे भूल गए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपने मुझसे विवाह किया था, आज से 40 साल पहले मैं विवाह करके आई थी, तो आप अपने पिता के यहाँ क्यों नहीं गई? देवाहुति बड़ी सुंदर बात कहती है भागवत जी में, प्रभु मेरे पति देव आपसे मेरा विवाह हो गया तो आपको छोड़कर भला मैं कैसे जाती, और यदि मुझे धन की इच्छा होती तो मेरे पिता के यहाँ तो सोने की चप्पल पहनने वाले लोग हैं, यदि मैं धन को देखकर शादी करती तो आपसे विवाह कभी नहीं करती, मैं तो आपकी तपस्या को देखकर मैंने आपसे प्रेम किया है इसलिए मैंने आपसे विवाह किया, और जब मेरा आपसे विवाह हो ही गया तो मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा। तो कर्दम जी की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, क्या बोले, दुष्टो मम त्यत मानसि मानदाया, देवी मैं आपसे संतुष्ट हूं, वरदान मांगिए क्या चाहते हैं, चरणों में गिर पड़ी और बोले पति से मैं क्या वरदान मांगू, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, बस आप मेरे पास रहे, मैं आपके पास रहूं, बस यही वरदान दे दीजिए। और कहते हैं कर्दम जी ने क्या किया, देवाहुति मैया का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद
एक सरोवर में गए स्नान किए तो 20 साल के हो गए कर्दम जी और 16 वर्ष की हो गई देर होती मैया। बोले कर्दम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। क्या कहना है? जय जय श्री राधे। इससे कल्याण होगा। राधे राधे बोलेंगे तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा हमारा। एक बार ज्यादा जोर से बोलेंगे जय जय। नीचे से आवाज का मार दी। जय जय श्री राधे। वृंदावन गए हैं आपका माता जी? तो गई है वृंदावन का तो गई है। वहां कैसे होते हैं? जय जय श्री राधे। तो आप मान लीजिए कि आपके घर में उमरिया में वृंदावन, जहां भागवत जी आ जाती है वहां वृंदावन चल के आ जाता है। वैसे तो वृंदावन जाए तो बहुत खर्चा हो जाएगा, पर यहाँ तो वृंदावन आ गया है। जो वृंदावन आपके घर ही में आ गया, मोहल्ले में, गांव में, तो फिर यहाँ राधे राधे बोलिए। जय जय श्री राधे। कर्दम जी हो गए 20 साल के, देवाहुति मैया हो गई 16 साल की। बड़ा सुंदर महल बन गया, जंगल में घर बन गया, दास दासियां बन गई, सब कुछ एक मिनट में तैयार हो गया। बड़ा सा बंगला बन गया, नौकर जाकर आ गए, गाड़ी सब कुछ हो गया, पूरा मार्केट बन गया सब कुछ। तपस्या में बड़ी ताकत है, ध्यान दीजिएगा। तपस्वी व्यक्ति जो भी चाहे वो भी प्राप्त कर सकता है, जो चाहे जैसा चाहे सब कुछ तपस्या से मिल सकता है। पर कैसे? जब तपस्या हमारी मन से होगी तब, तपस्या जब हमारे तन से होगी तब, तपस्या जब हमारे धन से होगी तब। कलयुग में केवल राधे राधे बोलने से कुछ नहीं होगा। राधे राधे बोलने से कल्याण तो आखिरी में होगा, लेकिन यदि हमें सचमुच अपना कल्याण करना है तो तन से भी सेवा करिए, मन से भी सेवा करिए। और कलयुग में हर प्राणी नहीं मतलब तो मनुष्य, हर प्राणी तो अपने अपने खाने में लगे हैं, किंतु मनुष्य खाने से ज्यादा बचाने में लगा है। बच जाए और हो जाए और हो जाए। तो कलयुग में तन से भी सेवा करिए, मन से भी सेवा करिए और अपने धन को भी भगवान के चरणों में लगाइए। धन मने लक्ष्मी, और लक्ष्मी जब तक नारायण के चरणों में, नारायण मतलब भगवान, नारायण के चरणों में नहीं जाएगी तब तक लक्ष्मी पवित्र होने वाली नहीं है। तन से सेवा करिए, मन से सेवा करिए, धन से सेवा करिए, सब कुछ बच गया। क्योंकि जहां तपस्या है वहां कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ अपने आप चल के आ गया। और कर्दम जी महाराज के बेटा तो हुआ नहीं, अभी एक एक करके 9 बेटियां हो गई। 9 बेटी हो गई तो 9 बेटी का विवाह कर दिया। भगवान ने कहा था बाबा आपके घर में बेटा बन कर आऊंगा, तब 10वें गर्भ के रूप में, 10वें संतान के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्त्री हरि विष्णु कपिल के रूप में भगवान कपिल बनकर आए। बने कपिल भगवान की जैसे कपिल भगवान का जन्म हुआ, कर्दम जी ने प्रणाम किया, चरणों में झुक गए और बन में गए और भगवान का भजन किए। अब तो कपिल भगवान छोटे से थोड़े बड़े हो गए, तो मैया देवभूति ने क्या किया? स्नान कराया, चंदन लगाया, फूलों की माला पहनाई। माला पहनाने के बाद क्या की? व्यास गद्दी में बैठा दी और बोली प्रभु आपसे कुछ पूछने का मन होता है। कपिल जी कहते मैया आप ऊपर ही बैठ जाइए या मुझे नीचे बैठा लीजिए। तो मैया क्या कहती? मैं जानती हूँ आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप मेरे बेटे बनकर आए हैं, फिर भी आप मेरे भगवान हैं। शरणों में गिर पड़े कपिल जी, बोले माँ आप धन्य हैं, दुनिया की पहली माँ है जो बेटे को ऊपर बैठा दी, स्वयं नीचे बैठ गई। क्यों? वो जानती है भगवान मेरे बेटे को है पर ये भगवान है, ईश्वर है। तो बोली प्रभु कुछ पूछने का मन होता है। बोले पूछिए भैया। तो कहती है निर्विनामित राम भूमन न संग निद्रिय निग्रह
मेरी जो इंद्रियां हैं, आंख, जीभ, मुख, हाथ, पैर, कान, ये अपनी अपनी ओर मुझे खींच लिए हैं। आंख कहती बहुत सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं बढ़िया वाला संगीत सुनो, मुंह कहता है अच्छी अच्छी, जीभ कहती बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, हाथ पैर कहते चलो मार्केट घूम के आ जाए। मुझे अपनी ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर क्यों खींचती है, इसका उपाय क्या है? भगवान कबीर कहते हैं भैया जो भी इंद्रियां परेशान करें उसको भगवान